कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है आपका वजन कंट्रोल रखती है? आपने तो बता दिया मैं हर चीज एक खास मिकदार में पोर्शन जो है, मतलब जो भी खाना है खाएं, लेकिन एक चीज के ऊपर ध्यान रखें कि नमक एक्सेसिव और चीनी, सफेद चीनी, ये हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है किसी भी चीज में। आप जो भी खाएंगे उसमें नमक भी होता है, उसमें चीनी भी होती है, तो उस पर कंट्रोल रखें। लेकिन जो खाना है खाएं, बस इतना खाएं कि वो जो था पेट भर गया, अब नींद आ रही है, अब काम नहीं हो रहा, वो नहीं होना चाहिए। आ तुम बताओ कि तुम खाने पीने के ऊपर ऐसे क्या कंट्रोल रखती हो? खाने पीने के ऊपर जब पंजाब जाती हूँ तो वहाँ पे तो कोई कंट्रोल नहीं होता है, सच यहाँ पे आके मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करती ये हूँ कि नाश्ता जब सुबह होता है ब्रांड ब्रेड के साथ, मैं पीनट बटर लगा के वो खा लेती हूँ। अच्छा। साथ कोई चाय का कप ले लिया, या फिर विदाउट वो वाला बलाई के बगैर वाला थोड़ा सा दूध ले लिया। दोपहर में खाना होता है मेरा चिकन का पोर्शन होता है, या फिर कोई भी दाल बनी हुई है तो उसके साथ ब्रांड ब्रेड का एक स्लाइस ले लिया। ठीक है। फिर दरमियान में कोई फ्रूट खा लिया, या फिर मैंने बिस्किट्स रखे होते हैं विदाउट शुगर, तो वो खा लेती हूँ। उसके बाद रात का टिक्का टाइप या कोई मीट पोर्शन या कुछ भी अगर सूप मिल जाए तो वो ले लेती हूँ। तो ये मेरा होता है कि कार्ब्स जो है बिल्कुल मैं थोड़े कम कर देती हूँ। कराची आती हो तो तुम कंट्रोल करती हो? शाम में, लेकिन सुबह खाना चाहिए। अच्छा आप बताओ नादिर। मुझसे तो ना ही पूछो, मैं सब खाती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ने जो दी मुझे, साल पीछे अगर हम चले जाएं, मैंने दुनिया की हर चीज खाई है भाई। आई एम अ वेरी फूडी पर्सन। और शायद एक हद तक मेरी ये भी आदत थी कि मैं बहुत ज्यादा खा लिया करती थी। मैं रोटी वाली लड़की हूँ। चावल मुझे वैसे इतने पसंद नहीं, और तो मेरे घर में आए दिन चावल बने होते हैं, फिर मैं रोटी वाली थी। अब आके एक तो मैं नाश्ते वाली बंदी भी नहीं थी कभी, शुरू से नाश्ते की आदत पड़ी नहीं है, अम्मा से बड़ी डांट भी पड़ी थी इस बात पे। अब आके मेरा एक बहुत हेल्दी नाश्ता होता है, वेरी गुड ब्रेकफास्ट। ब्राउन ब्रेड होती है, उसमें दो अंडे होते हैं, डिफरेंट 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 होते हैं, फिर एवोकाडो मैंने उसमें, क्योंकि खाली ऑमलेट खाना भी थोड़ा वो होता है, और तो आई लव अंडे। फिर योगर्ट होता है इन पे, दो तीन चम्मच मीठे के तौर पे। और फ्रूट कट जाते हैं, निकलते निकलते एक खजूर मुंह में डाली, या फ्रूट का कोई भी एक स्लाइस आपने ले लिया, कीवी पड़ी है या ब्लूबेरीज मुझे बहुत पसंद है, वो दो चार आपने खा ली। ब्रेकफास्ट मेरा अब बाकी बहुत अच्छा, अच्छा होता है। मेरा भी रोटी मुझे लगता है, ये मैं वैसे कहना भी चाहती हूँ जो अनमैरिड है, जो मेरी एज की है, अगर आप डाइट कर रहे हो एक चीज प्लीज मत भूलो। आई डोंट नो, इट्स मे बी अ टिपिकल थिंग, बट फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है रोटी मत छोड़ें, क्योंकि कल को यू हैव टू गेट मैरिड, आपने बच्चे पैदा करने हैं, आपकी स्ट्रेंथ होनी बहुत जरूरी है, उनके साथ उनको बड़ा करने के लिए आपका ठीक होना बहुत जरूरी है। मैं रोटी नहीं छोड़ मैंने डाइटिंग तीसरे बच्चे के बाद शुरू की है। मैंने उससे कभी भी नहीं करनी चाहिए। क्या करूं दोपहर में? तो चपाती मस्ट होती है, या अगर मैं घर हूँ तो घर की रोटी। नेचुरल आपका क्या लाइक बॉडी शेप क्या है, मामा कैसी है, स्लिम है? मेरे घर वाले सारे माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं, इट जस्ट मी और मेरा भाई। हम मुझे लगता है कि बहुत हद तक छोटे लगेंगे ब्रो। इट जस्ट मी, तो मैं कभी उनमें हूँ भी ना, कभी दिखाऊंगी उनको, शायद निदा ने देखी भी हूँ, तो माशाल्लाह हेल्दी है, मारेंगी मुझे। पर अच्छा, उनका अम्मा पे गया है। मेरा जो ददियाल है वो तीन तीन चार चार बच्चों के बाद भी ये है, ये है। मुझे नहीं पता वो क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, लेकिन मेरी दोपहर की एक चपाती मस्ट होती ही होती है। और फिर बीच में वही फ्रूट्स खा लिए या जूस का वो पी लिया। और रात को मैंने ये चीज एक साल से करना शुरू की है, बहुत अगर भूल गई या भूख नहीं लग गई 8 या 7 आखिरी मील डन। मेरी पहले आदत थी निदा रात को इतनी चीजें खा लेनी, कभी डोरिटोज निकाल लेने, आप ये खा रहे हो वो खा रहे हो। अब मैंने चीज की है, मैंने कॉटेज चीज ला के रख ली। कॉटेज चीज इज वेरी लो फैट, आप खा सकते हो, घर में बड़े आसानी से बना भी सकते हो, बना भी सकते हो, ठीक है। आपको बहुत क्रेविंग हो रही है, आप वो खाओ और आप सो जाओ। दूसरा, मैंने अपनी डाइट से फिजी ड्रिंक्स को निकाल के दफन कर दिया। दफन कर दिया, क्योंकि मैंने एक चीज नोट की है, मैं सारी पत्नियों में सब ठीक हूँ, मेरा पेट निकल आता है फ्रिजी ड्रिंक्स की वजह। एग्जैक्टली, इट्स अ शुगर। क्योंकि आप इतना, हमारे घर में तो पानी बहुत कम यूज किया जाता है निदा, मुझे नहीं पता मैं उनको अवेयरनेस कैसे दूँ।
वो इतना यूज हो चुके हैं खाने के उन चीजों का कि अब मैं उनको स्टेज पे नहीं समझा सकती, वो उनकी मर्जी है, अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैंने बिल्कुल खत्म कर दी, और जब से मैंने वो खत्म किया ना, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, हमारे घर में उल्टा है, हमारे घर मेहमान आते हैं ना, हमारे पास फिजी ड्रिंक्स होते ही नहीं है, हमारे पास ठीक होते हैं। हमारी सारी जिंदगी बचपन से हमारे घर में शरबतें होती थी, वो भी सीजनल, कैरी का शरबत है, इमली का शरबत है, बादाम का शरबत है, शरबतें होती थी, नेवर फिजी ड्रिंक्स। दूसरा जो इन्होंने दो बातें कही ना, आल इंडोर्स दैट, नाश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्दी लंच और अच्छा नाश्ता, और डिफरेंट चीजें खाएं। मैं कभी अंडा खाती हूँ, किसी दिन आई हैव चीज ऑन टोस्ट, किसी दिन आई हैव सॉसेजेस, किसी दिन मैं टमाटर वो ग्रिल करके खा लेती हूँ टोस्ट के साथ। लंच भी आपका होना चाहिए, और ये एक वही वाली बात है ना कि हम शायद सोचते नहीं है इस तरह से। आप दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखें, हर रेस का एक खास खाना पीना है, उनकी कुजीन है। इटालियंस पास्ता खाते हैं, वो मोटे नहीं होते। हमारे पास टाइम खत्म हो गया, मैंने इतनी सारी बातें पूछनी थी। अच्छा, लेकिन हमारे पास टाइम, वो पास्ता खाते हैं, उनकी बॉडी, उनकी जेनेटिकली सदियों से उनके डीएनए में वो बॉडी प्रोग्राम्ड है टू प्रोसेस इट। हम रोटी खाने और चावल खाने वाले लोग हैं, हमें ये चीजें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें ये खानी चाहिए, बस मगरिब के बाद खाना छोड़ दें।